आज बात एक मंदिर के बारे में। लाल बलुआ पत्थर से बना एक मंदिर अपने आप में कुछ रहस्य सा समेटे चुपचाप सा खड़ा है। अपनी बनावट से किसी को भी आकर्षित कर लेने वाला ये मंदिर वृंदावन में स्थित है। नाम है गोविंद देव जी मंदिर। इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसे एक रात में ही भूतों ने बनाकर खड़ा कर दिया था, तो कुछ कहते हैं कि ये मंदिर शापित है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर पर हमेशा से बंदरों का कब्जा है और कोई वहां जाकर जिंदा नहीं लौटता। वहां जाना ठीक नहीं, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। बस इसी सच को जानने हम जा पहुंचे वृंदावन। जो भी है उसका पता किया जाना जरूरी था। विश्व प्रसिद्ध श्री रंगजी मंदिर के नजदीक ही एक सामान्य सी संकरी गली में थोड़े ऊंचे से आधार पर लाल पत्थर से बना ये मंदिर परिसर कम किला ज्यादा लगता है। चारों तरफ सैकड़ों बंदरों की मौजूदगी के बाद भी एक अजीब सी शांति पसरी थी यहाँ। आसपास एक सन्नाटा, सुनसान और वीरान पड़े इस परिसर ने पहली नजर में हमें आकर्षित किया। अंदर मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर हमें ऊपर की मंजिलों पर बनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से एक इतिहास सा झांकता मालूम पड़ा। ऊंचे गुंबद, उच्च कोटि की नक्काशी, तीन मंजिला ये मंदिर अपने दौर की एक शानदार कहानी बयां कर रहा था। अंदर मंदिर परिसर के आसपास के स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास बड़ा पुराना है, जिसे हमने कई लोगों से क्रॉस चेक भी किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। 1590 में महाराजा मानसिंह ने इसे बनवाया था। मंदिर निर्माण की भारतीय शैली, पश्चिम से आई इंडो गोथिक शैली और इस्लामी शैली का बेजोड़ मिश्रण का नमूना है। जब इसका निर्माण हुआ तब ये 7 मंजिला था और बनने का खर्च था लगभग 1 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि उस समय इस मंदिर की चोटी पर 50 किलो घी का दिया जलता था, जो आगरा से भी दिखाई देता था। बस यही बात औरंगजेब को पसंद ना थी। और एक रोज औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि कल से ही इस दिए की लौ उसके अभिमान को तपिश ना दे। सेनापति अगले ही दिन अपनी तोपों के साथ 7 मंजिला दुर्गनमा मंदिर के सामने था। 4 मंजिलें ढाई जा चुकी थीं, मंदिर के दरवाजों को तोड़ा जा चुका था। अब मुगल सेनापति भगवान के विग्रह अर्थात मूर्ति को तोड़ने के उद्देश्य से मंदिर के गर्भगृह में दाखिल होता है, लेकिन भगवान की मूर्ति गायब थी। तभी कहते हैं कि बंदरों की एक सेना ने इस मंदिर की रक्षा के लिए इसे घेर लिया। मुगल सैनिक भाग खड़े हुए और आज तक ये वानर सेना इस मंदिर को घेरे हुए। इसके साथ ही इससे जुड़ी एक और कहानी जिसके अनुसार इस मंदिर की टूटी 4 मंजिलों के पत्थर को मथुरा ले जाकर ध्वस्त कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया, जो आज भी उसी रूप में खड़ा है। यहाँ से पत्थर मंदिर को जब तोड़ा गया तो मंदिर पत्थर की जो जितना भी पत्थर था मथुरा ले जा करके उसको शाही ईदगाह के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। जन्मस्थान के जस्ट पीछे वो मस्जिद बनी हुई है। इसमें वृंदावन के अंदर में 3 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे पहला ये गोविंद देव जी मंदिर। जनश्रुति के अनुसार मंदिर ध्वस्त किए जाने से 1 रात पहले मंदिर के मुख्य पुजारी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जल्द ही औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़ा जाएगा। मुख्य पुजारी ने देरी ना करते हुए गोविंद देव जी के विग्रह को वहां से ले जाकर जयपुर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जो आज भी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित है। हेमंत और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज अपडेट समय से मिलते रहें। राम राम।